हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये कुर्ती का डिज़ाइन बनाएंगे। ये बैक साइड है कुर्ती की, ये इस तरह से बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसके स्लीव्स हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल से बताऊंगी कि इसको हमने किस तरह रेडी करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये डिज़ाइन भी पसंद आएगा। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट का कपड़ा ले लिया है, उसकी विथ जो है वो 34 इंचेस है और उसकी लेंथ है 41 इंचेस। इस कपड़े को हमने सिंगल करके इस तरह से बिछा लेना है सबसे पहले, और उसकी लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे मार्किंग करना। 5 इंच पे पहले हम मार्क करेंगे। इसकी पहली लाइन, फर्स्ट लाइन जो होगी उसकी लेंथ हम 10 इंचेस लेंगे। उसके बाद उसको स्ट्रेट लाइन, इस तरह स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इसकी। इसके बाद हमने प्लेट्स डालनी है, ये 3 इंच की हमने प्लेट डालनी है। तो ये 3 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ, ये 10 इंच तक इसकी लेंथ है। जैसे पहले वाली लाइन हम लगाई है इसी तरह। उसके बाद हमने दो प्लेट्स के दरमियान में जो गैप देना है वो 2.5 इंचेस यानी कि 2.5 इंचेस है। इस तरह उसको मार्क करेंगे और इसकी भी इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हमने फर्स्ट प्लेट जो डालनी है वो 10 इंचेस उसकी लेंथ, फिर नेक्स्ट की 12। अब हम ये 12 इंच रख रहे हैं। इसी तरह उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी थर्ड, उसमें उसकी लेंथ जो है वो 2 इंच इंक्रीज करेंगे। ये हमने 3 इंचेस पे इस तरह मार्क किया है और अब हम स्ट्रेट लाइन इसकी ड्रा करेंगे। इसकी लेंथ जो है वो 14 इंचेस है। अब ये हम 2.5 इंचेस गैप दे रहे हैं और इसकी लेंथ जो है हम रखेंगे 2 इंचेस उससे इंक्रीज करके। फिर हम 3 इंचेस पे निशान लगाएंगे और इसको इसी तरह हम मार्क कर लेंगे। हमने लाइन ड्रॉ कर ली, फिर गैप के लिए हमने 2.5 इंच पे लगाया है और इसको इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर 3 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं और इसको इसकी लाइन इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। इसकी लेंथ जो है वो 16 इंचेस है। अब ये हम गैप की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसको इस तरह हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमारी ये लास्ट प्लेट जो हमने डालनी है वो 3 इंच पे हमने मार्क करके इसको इस तरह हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इसमें 18 इंचेस है, फिर 16, फिर ये 14, फिर 12 और फिर 10 इंचेस। 2 इंचेस का गैप देंगे तो ये हमारी इस तरह से बनेगी। ये क्रॉस जिस पे मैं लगा रही हूँ ये हमने प्लेट्स बनानी है और जो क्रॉस के बगैर हैं वो हमारा गैप है। ये देखिए, इस तरह हम जो क्रॉस वाली हमारी लाइंस हैं उनको हम इस तरह प्लेट्स बनाएंगे, सिलाई लगा देंगे। जो लाइंस हमने लगाई है उनके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से हमें प्लेट्स हमारी बन जाएंगी। अब हमने दरमियान में कपड़े को इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर आयरन करनी है। ये हमारी बैक साइड है शर्ट की। ये हमने लेफ्ट साइड से इसलिए स्टार्ट किया है, जब हम इसको फ्रंट पे करेंगे पहनेंगे तो ये हमारे राइट साइड पे आएगा। इसको इस तरह से हम सारी प्लेट्स को प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, अच्छी तरह से हमारी प्रेस हो गई हैं। ये अब फ्रंट से भी हम इसको प्रेस कर लेंगे एक दफ़ा। ये प्रेस होने के बाद ये देखें, ये इस तरह हमारी प्लेट्स रेडी हो गई हैं। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड से इस तरह लुक देंगी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा।
अब हमने हमारे पास ये कलरफुल कपड़ा है उसको इस तरह फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। डिफरेंट कलर्स में है, आप इसमें रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई अगर आपके पास लेस है तो वो आप लेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है, उसी तरह आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह मेरे पास कपड़ा है तो मैंने इसकी इस तरह से रिबन की तरह पट्टियाँ बना ली हैं, इनको मैं इस तरह से ऊपर लगाऊंगी। ये देखें प्लेट्स अब वाजी हो रही हैं कि प्लेट्स हमारी किस तरह बनी है। ये इस तरह से हमारी प्लेट्स बनी हैं और इसके ऊपर फिर हम लेस लगाएंगे। ये मेरे पास बारीक लेस है, ये देखें, ये इसको हमने इसी तरह तमाम पट्टियों के ऊपर लगा देना है। लगा के मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये इस तरह से लगाने के बाद, ये रेडी होने के बाद ये इस तरह से हमें नज़र आएंगी। फिर इसको हम सेंटर कर लेंगे इस कपड़े का। अब हमने नेक की कटिंग करनी है, नेक बनानी है, उसके लिए 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और इसकी लेंथ जो है 6 इंच पे मार्क करेंगे और इसको राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमने सीजर की हेल्प से इसको कट करना है। ये देखें, ये इस तरह से हमारी नेक कट हो गई है। अब हमने इसके नीचे कपड़ा जो हमने लगाना है वो हम लगाएंगे। ये क्योंकि स्टफ सर्दियों का है तो इसलिए इसमें बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोन में या किसी और बारीक स्टफ में बना रहे हैं तो उसमें आप इसके साथ बुकरम के साथ नेक बनाएंगे तो वो ज़्यादा नीट आएगी। ये कपड़ा क्योंकि थोड़ा सा सर्दियों वाला है और मोटा स्टफ है तो वो इसमें नेक इस तरह भी बन जाएगी नीट। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब इसके बाद ये हमने बैक साइड को रेडी करना है। उसके लिए हमने इसका टॉप पार्ट लिया है, इसकी लेंथ 14 इंचेस है, इसकी विथ जो है वो अकॉर्डिंग टू योर वेस्ट है, इसके जो नीचे बॉटम पार्ट है उसकी 27 लेंथ है और विथ इसकी भी 34 है, यानी कि डबल करके इसको 8 इंचेस। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। शोल्डर हमने 7.5 इंचेस रखा है, उसके बाद आर्म होल भी इसका 7.5 इंचेस और इसकी चेस्ट है 9 इंचेस और इसकी विथ 8 इंचेस। नीचे वेस्ट जो है ऊपर से शोल्डर का 1/2 इंच हम डेप्थ देंगे और नेक की विथ 3 इंचेस है। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमने नेक कट करनी है, 3.5 पे हमने मार्क किया है और 5 इंचेस इसकी डेप्थ है, इसको हम इस तरह कट कर लेंगे। अब हमने इसके नीचे कपड़ा लगाने के लिए भी इसको कपड़ा लिया है और उसके ऊपर हम इस तरह राउंड नेक कट कर लेंगे। ये नीचे से हम थोड़ी सी शेप दे देंगे। यह हमने इस तरह देखेंगे आप, ये नेक, ये देखें, हमने इस तरह से नेक लगाने हैं, नेक का कपड़ा लगाना है और नीचे हम गैदरिंग करके कपड़े को इस तरह से हमने रेडी कर लेना है। ये हमने रेडी कर लिया है। अब ये 3 कलर्स को मिला के इनमें ज्वाइंट डाल के और प्रेस करके ये पट्टी हमने रेडी की है। ये 1 इंचेस की है, नेक के साथ हमने 1/2 इंच पे मार्क करना है। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और अब नीचे लेंथ इसकी हमने 10 इंच पे मार्क करना है। दोनों साइड से हमने 10 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन हमें इसकी ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से, ये देखें, इस साइड से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और अब नीचे दोनों लाइंस को हम ज्वाइंट कर देंगे। अब हमने जो पट्टी तैयार की है उसको हमने इस तरह से इसके ऊपर लगाना है और इसके ऊपर हम लेस लगा देंगे। जैसे हमने फ्रंट साइड पे लेस लगाई है, सेंटर में इसी तरह हमने इसके ऊपर लगा देनी है।
ये देखिए लगाने के बाद ये इस तरह से लुक इसकी आएगी। अब हमने फ्रंट पार्ट की, क्योंकि हमने कटिंग नहीं की थी, तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके रख देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम इस तरह फोल्ड करके रख देंगे और इसके ऊपर हमने बैक साइड, क्योंकि हमने कटिंग की हुई है, तो उसको फोल्ड करके इसके ऊपर हम सेट करके रख देंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर भी ज़रूर करें। इस तरह से हम उसके ऊपर कट कर लेंगे, वेस्ट तक हम उसी तरह कट करेंगे। उसके बाद हमने नीचे से हल्का सा गोलाई करते हुए, नीचे राउंड करते हुए हम नीचे तक हम कट कर लेंगे। ऊपर से हमने डेप्थ देनी है शोल्डर की 1/2 इंचेस, और क्योंकि फ्रंट पार्ट है इसके शोल्डर के अंदर भी 1/2 इंचेस की हम डेप्थ देंगे, ये इस तरह से। अब हमने बैक साइड को फ्रंट साइड के शोल्डर के साथ अटैच करना है। ये शोल्डर अटैच करने का तरीका ये होता है, इस तरह से हम अटैच करेंगे। उसके बाद हमने इसकी फिटिंग के मार्क कर लेना है। 8.5 इंचेस चेस्ट है, 7.5 इंचेस इसकी वेस्ट है, इस तरह हम मार्क करेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह मार्क कर लेंगे। उसके बाद इसी हम सिलाई को नीचे लेते हुए लेके जाएंगे और हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कंप्लीट करने के बाद ये इस तरह फिटिंग आ जाएगी। ये बाजू मैंने रेडी किए हैं, इसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। इस तरह इसको शोल्डर के साथ हम अटैच कर देंगे और बैक नेक को रेडी कर लेंगे। ये नीचे से भी हम इस तरह कपड़े को फोल्ड करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद इसकी लुक इस तरह आएगी। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और वीडियो भी समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।